अखिलेश यादव जी कल घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने एक डिमांड की कि यादव रेजिमेंट जो होता है उसको अलग से सेना में भर्ती कराया जाए। घोषणा पत्र अगला वर्सेस पिछला का एक दिखाई पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे उनके घोषणा पत्र पे जो वादे किए हैं? बहुत अच्छी बात है, घोषणा करना अच्छी बात है, पर घोषणा करने से पहले उन्होंने एक और घोषणा किया, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के रेस से बाहर हूँ, तो जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं तो ये सब जो घोषणा कर रहे हैं इसको पूरा कैसे करेंगे? ये तो जानिए आप, घोषणा सिर्फ करने के लिए अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर उसको पूरा करने के लिए आप अगर आज अकेले चुनाव लड़ रहे होते और आप कल ज़रूरत पड़ती अगर कि सरकार बनाने के लिए ज़रूरत पड़ रही है आपकी और आप उनमें सहयोग देते तो आप उनसे कहते कि भाई हम ये चाहते हैं, तो वो शायद पूरा भी हो जाता। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर वो ये बात कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जो अहिर रेजिमेंट बनाने की बात है, बाकी लोगों को भी सम्मान मिलता है, और अगर सेना में ऐसी सुविधा पहले से नहीं होती तो ये बात ठीक नहीं होती, पर सेना में पहले से ये सुविधा है। राजपूत रेजिमेंट है, वहाँ पे कुमायूं रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सब अलग अलग रेजिमेंट हैं, और यादवों के जो बलिदान को हम देखें, उनके योगदान को हम देखें सेना में, तो वो इस लायक है कि उनका रेजिमेंट अलग बनना ही चाहिए। और अभी जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात मैं उनके सामने भी रखने वाला हूँ कि ये उनके सम्मान के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना योगदान जो है देते हैं सेना में, उनकी सहभागिता एक बहुत ही मजबूती से, बहुत एक बड़े लेवल पे है, तो उनको ये सम्मान भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें इतिहास में जाके देखें कि जब चाइना से युद्ध हुआ था और एक चौकी पे रजांगला में 114 सैनिक जो शहीद हुए थे, वो 114 के 14 यादव थे, और उन लोगों ने उस चौकी पे चाइना को आने नहीं दिया था। पर ये बात जब गाना आया और गाना बना, उसी शहादत पे वो गाना बना था कि ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, ये वो सारी बातें हुई थी इसलिए कि वो जो फित्ती लगी थी उस पर कोई गोरखा रेजिमेंट लिखा हुआ था, कोई कुछ लिखा हुआ था, पर वो 114 के 14 यादव थे। अगर वो यादव रेजिमेंट लिखा होता तो उनको सम्मान और वो अधिकार मिला होता कि 114 के 14 यादव शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, और उन्होंने चाइना को हिंदुस्तान के अंदर पैर नहीं रखने दिया, तो इसलिए वो होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। बात से आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे? हाँ बिल्कुल रखता हूँ, और वो मैं भी कहता हूँ कि वो बनना चाहिए, और वो मैं भी श्री नरेंद्र मोदी जी से वो मांग करने वाला हूँ, जब भी वो मुझसे मिलेंगे तो मैं ये बात उनसे कहूँगा। अखिलेश यादव अब सीधे सीधे मुखर होते जा रहे हैं आपके खिलाफ, पहली बार मुंह खोले हैं कि जितनी अंतर से बीजेपी में नरेंद्र मोदी जीते हैं जी, उससे बड़ी अंतर से आपको आजमगढ़ में हराएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनका ये भरोसा है, पर आजमगढ़ की जनता में जब जाके पूछेंगे तो आजमगढ़ की जनता ये भी बात उनको बताने के लिए तैयार है कि आप जीतते तो हैं, वहाँ के लोग जिताते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं जिताते हैं, पर वहाँ जीतने के बाद आप आते कितनी बार हैं वो मायने रखता है ना। आजमगढ़ की जनता ने पिछली बार जिताया था, नेताजी को जिताया था, नेताजी ने वहाँ अपना, जब ये बात मैं राजनीति में था नहीं तो मुझे नहीं पता थी, ये तो आजमगढ़ की जनता मुझे बता रही है कि नेताजी वहाँ अपना नामांकन किए, वहाँ की जनता ने उनको जिताया, पर नामांकन के बाद, वो जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र तक लेने के लिए नहीं आए, जनता से मिलने की तो बहुत दूर की बात है। तो आप जीतने के लिए तो वहाँ आते ही रहे हैं, इस बार भी आ रहे हैं, पर वहाँ की जनता बताएगी कि जब जीतने के बाद आप आते नहीं हैं तो आपको कितना उनका सहयोग मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा।